नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो नगला चंद्रभान फरह मथुरा के निवासी थे। उनकी माता का नाम राम प्यारी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 10-11 फरवरी 1968 की रात में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को सुबह 4:45 सहायक स्टेशन मास्टर को खंबा नंबर 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। शव प्लेटफॉर्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ में से चिल्लाया, अरे यह तो जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आज 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने पुण्यतिथि के स्थान पर जन्मतिथि बताया है। संभव है यह मानवीय त्रुटि हो, लेकिन इतने बड़े पद पर रहने के बाद अपने ही आदर्शों के जन्म और मृत्यु की सही तारीख भूल जाना बड़े सवाल खड़े करता है। विंध्य भारत के लिए शैलेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के पुत्र पुरुष आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है 11 फरवरी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी जयंती को प्रत्येक बूथ में, हमारे पार्टी के 6 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है, हम प्रत्येक बूथ में दीनदयाल जी की जयंती मनाई जाती है। हमारे रीवा शहर में माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के एक आदमकद प्रतिमा है, तो इसलिए हम सबने उनके माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन कर उनको श्रद्धांजलि दी है।